मोदी यूपी के अमरोहा में थे। अमरोहा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी अगले शुक्रवार को वोटिंग होनी है। अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और यह बताया कि कैसे सीएम योगी की मेहनत ने पिछले 7 साल में यूपी का पूरा माहौल बदल दिया। पहले सुनिए योगी की तारीफ में कैसे पीएम मोदी ने आज झड़ी लगा दी, फिर बताऊंगा कि आज यूपी को लेकर पीएम मोदी ने क्या नई गारंटी दे दी है। यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। आज पीएम मोदी ने इसी रैली में एक गारंटी भी दे दी। पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए यह भी कह दिया कि यूपी में 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटने वाला है और यूपी में नया रिकॉर्ड बनने वाला है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी पर उन्होंने क्या कहा। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं। बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। अमरोहा में कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी रैली होने वाली, लेकिन पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही अमरोहा पहुंचकर राहुल गांधी और अखिलेश का खेल बिगाड़ दिया। सुनिए राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर पीएम ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि पीएम ने अमरोहा के ढोलक और मोहम्मद शमी के बीच क्या कनेक्शन बताया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दरअसल अमरोहा वो सीट है जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट दानिश अली जीते थे। अमरोहा में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट और यादव वोट भी है, इसलिए पीएम मोदी ने यदुवंशी का जिक्र करके अखिलेश पर निशाना साधा तो अमरोहा की प्रसिद्ध ढोलक और अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर एक बड़ा मैसेज दिया। सुनिए मोहम्मद शमी पर पीएम ने आज क्या कहा। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया,
वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है। पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे। आज पीएम ने 3 राज्यों में 4 रैलियां की। पहले वो यूपी के अमरोहा गए, इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह और जबलपुर में रैली की। शाम को पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंच गए और वर्धा में बड़ी चुनावी रैली कर, यानी ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में तो सीएम योगी पूरा माहौल बनाए हैं। सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी के बागपत में रैली कर दी। बागपत से बीजेपी के नए सहयोगी दल आरएलडी के कैंडिडेट हैं और बागपत में सीएम योगी ने मुरादाबाद दंगों का जिक्र किया, जिसकी फाइल 40 साल बाद सीएम योगी ने खोली थी और 40 साल बाद इन दंगों के दोषियों पर कार्रवाई हुई थी। सुनिए सीएम योगी को उन्होंने आज बागपत में क्या कहा, फिर दिखाता हूं ओवैसी को कैसे एक सियासी तीर बहुत चुक गया है। सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का बीजेपी का जो दावा है, क्या वो दावा सही साबित हो सकता है? यूपी में आज पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। बंगाल में जहां हिंसा दिखी, वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आज सुबह से ही लगातार आरोप लगाती रही। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कई जिलों में मतदान में दिक्कतें आ रही हैं। हमने समाजवादी पार्टी के आरोपों का रियलिटी टेस्ट किया तो उसमें कुछ और ही बात निकलकर सामने आई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि कैराना में बूथ नंबर 240 में कई मतदाताओं के नाम ही नहीं, जिसके कारण मतदान प्रभावित हो रहा है। हमारी टीम ने इस आरोप का रियलिटी टेस्ट किया तो जो सच्चाई सामने आई उसके मुताबिक आरोप में कोई दम ही नहीं है। कैराना से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बूथ नंबर 240 पे हम मौजूद है, 240 पे मौजूद हैं। कैराना विधानसभा का ये बूथ नंबर 240 है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है कि यहाँ पर मतदाताओं का जो नाम है वो कई बार जो है वो नहीं लिखा हुआ है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी आया है। असलियत क्या है, किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग चल रही है, यहाँ पे लोगों से ही बात करते, देखिए लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की जो आकर यहाँ पर अपना मतदान दे रहे हैं, अपनी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जो भागीदारी है वो यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहीं पे सुबह से हैं? हाँ जी सर, सुबह से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल सुकून से हो रहा है सब काम। कोई वोटिंग में नाम नहीं है, किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसी कोई उपद्रव, कोई ऐसी घटना? नहीं नहीं सर, कोई ऐसी घटना नहीं। सबका नाम है? सबका नाम है सर। बाई चांस जिसका नाम नहीं है उसका बीएलओ बराबर में बैठे हैं, वो उनको पर्ची दे रहे हैं बना के। शांति से सब काम हो रहा है, शांति से हो रहा है। हाँ, और प्रशासन भी बहुत बढ़िया है बिल्कुल। आप लोग क्या बूथ एजेंट हैं? जी सर। किसके तरफ से आप लोग हैं? हम इकरा की तरफ से। इकरा की तरफ से। शांति से चल रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है सर, मजा आ रहा है बहुत। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा, प्रशासन और शासन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि कई लोगों का नाम नहीं है कैराना के इस बूथ पर, वहां बूथ पर मौजूद लोग तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर में भी मतदान को लेकर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सहारनपुर में बूथ नंबर 270 पर धीमी गति से मतदान चल रहा है। यह बूथ मुस्लिम बहुल है, इसलिए प्रशासन मतदान की गति को प्रभावित कर रहा है। समाजवादी पार्टी के इस आरोप का भी हमारी टीम ने रियलिटी टेस्ट किया तो यह आरोप भी गलत निकल गया। देखिए सहारनपुर से यह ग्राउंड रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने दरअसल ट्वीट किया और कहा कि सहारनपुर नगर में बूथ संख्या 270 पर धीमी गति से मतदान चल रहा है और बूथ के मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यहां पर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। और उसी ट्वीट पर जवाब दिया गया डीएम सहारनपुर द्वारा, यहां पर जो है 22% मतदान 11 बजे तक हुआ है और 1 बजे तक मतदान 30% से ज्यादा है, ऐसे में लगातार मतदान हो रहा है। हम इस वक्त 270 बूथ नंबर के बाहर ही हैं। ये देखिए बूथ नंबर 270 है और आप देखें तो लगातार यहां पर वोटिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार निगरानी रखे हुआ है कि जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से होती रहे, और ऐसे में अभी हमने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी बात की और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की कोई भी जो बाधा है या किसी भी तरह की रुकावट जो है वो फिलहाल यहां पर देखने को नहीं आई है।
है। तो कुल मिलाकर फिलहाल हमारी पड़ताल में यही सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो दरअसल बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश है, और लगातार प्रशासन जो है इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत होते ही मौके पर पहुंच रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी तरह से निर्बाध तरीके से चुनाव हो। यानी अखिलेश यादव का एक और दावा गलत साबित हो गया। भाई अगर धीमी वोटिंग करवाई जा रही होती तो बहुत लंबी लाइन दिख रही होती। भाई आगे लाइन धीरे धीरे बढ़ेगी तो पीछे लाइन लंबी हो जाएगी, वहां तो आपको वैसी कोई लंबी लाइन भी नहीं दिखी। यानी अखिलेश यादव सुबह से दावे ठोक रहे थे और नवभारत पर वो सारे दावे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि गलत साबित हुए। इसी तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि कैराना के बूथ नंबर 172 में वोटर सूची से मतदाताओं के नाम गायब है। इस आरोप का भी हमने रियलिटी टेस्ट किया तो जानते क्या पता चला? पता यह चला कि समाजवादी पार्टी जिस बूथ नंबर 172 का जिक्र कर रही है उस नंबर का कोई बूथ ही नहीं है कैराना में। कैराना से यह ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। सर ये जानकारी मिल रही है कि मसावी में 1500 लोगों का मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है, लिस्ट में नाम नहीं है। पहले बात 500 तो वोटर किसी बूथ पे है ही नहीं, चार बूथ यहाँ पर है, उसका नंबर 154, 155, 156, 157 है। यानी 172 बूथ संख्या यहाँ है, बूथ संख्या यहाँ पर नहीं है, चार बूथ है, चारों वोटिंग इसी स्कूल में होता है। पूरे गांव में कितने मतदाता यहाँ? लगभग 4000 के आसपास। कोई ऐसा बूथ संख्या नहीं है जिस पर 1500 के करीब नहीं, कोई नहीं, 1000 के राउंड में सब जो है, 1025, 1026 इस तरह से है सब में। दूसरी बात है वोट काटने का मतलब है कि फॉर्म 7 भर जाता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसमें एक अपेक्स करता डालता है जो वोट कटवाने वाला होता है। ऐसे वोट अपना नहीं करती हुई वोट काटनी पड़ती है तो परिवार की सहमति से वोट कटती है। यानी अखिलेश यादव दिन भर जो जो दावे कर रहे थे सब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में गलत साबित। इसीलिए अब लोग ये भी सोचेंगे कि जो उन्होंने दावा किया कि ये तो चुनाव बीजेपी के हाथ से गया फर्स्ट फेज वाला, वो भी कितना सही है समझ ही जाएंगे लोग। इधर समाजवादी पार्टी के सारे आरोप बेदम निकले तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का हंगामा भी देखने को मिला। मुरादाबाद में भी आज मतदान हुआ और यहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रुचि वीरा और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हो गया। रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि पुलिस महिला मतदाताओं को धक्का दे रही थी, इसी को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज हंगामा होता रहा। जरा देखिए वहां क्या हुआ। दरअसल यूपी में आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें कई सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और कई सीटों पर 20-30% मुस्लिम वोटर है। जैसे कैराना, यहां 23% मुस्लिम वोटर है। सहारनपुर, यहां 30% मुस्लिम वोटर। मुजफ्फरनगर में 27%, बिजनौर में 28%, नगीना में 28%, मुरादाबाद में भी 28% मुसलमान वोटर है। रामपुर में तो मुसलमान वोटर 42% है और पीलीभीत में 25%। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन लड़ा था इन 8 सीटों पर। इसलिए यूपी की इन 8 सीटों में से बीएसपी ने 3 सीटें जीती थी, सहारनपुर, बिजनौर और नगीना। ये मुस्लिम और दलित बहुत सीटें थी, ये बीएसपी ने जीत ली, गठबंधन में लड़ रहे थे ये लोग। समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर जीत मिल गई। वहीं बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की सीट अपने नाम कर ली थी। यानी इन 8 सीटों पर 2019 का रिजल्ट था 3 बीजेपी, 3 बीएसपी और 2 समाजवादी पार्टी। लेकिन तब बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़ रहे थे। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है और बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी की ताकत बढ़ी हुई मानी जा रही है और विपक्ष की ताकत बटी हुई। और चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि कहीं बीजेपी 8 की 8 सीट तो नहीं जीत रही। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर मतदान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रभाव है, लेकिन इस बार किसानों के नेता भी शायद माहौल देखकर पहले से ठंडा पड़ गए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान हर पार्टी में है और इस बार वो किसानों से किसी को वोट देने के लिए नहीं कह रहे, जिसका जहां मन है वोट दे सकता है। टिकैत ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ठंडा है, चुनाव को और गर्म होना चाहिए था। राकेश टिकैत कैसे ठंडी ठंडी बातें कर रहे हैं जो खुद गर्म नहीं हो पा रहे, वो चुनाव को ठंडा बता रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर पहले चरण की वोटिंग में बिहार में क्या दिखा वो भी बताऊंगा। अगर नरम गरम बयान नहीं देंगे हाँ। तो संख्या घट जाएगी हाँ।
भाई चुनाव कितनी मतलब गर्मी लाना चाहते हैं? गर्मी जानी थी भाई, गर्म होना था पूरा। इस बार तो आप ही के बयान भी नहीं आए कहीं गर्म, आप भी शांति दिखते रहे। कहा कि आप आंदोलन में हमारे साथ रहो, वोट आप कहीं दे, जिससे उनकी नाराजगी है उसका परंपरागत वोटर रहा है, उनको लगता है कि हमारे जो बड़े लीडर है उनको अवॉइड करा जा रहा है। कुछ कुछ लग भी रहा, जोन सी पार्टी में भी रहते हैं वहां पर नेताओं की ज्यादा होती नहीं, तो लगा है तो उन्होंने अपने मुद्दे उठाए। किसान सारी पार्टियों में है तो हम किसान को क्यों बांटे? किसान को क्यों बांटे? अपनी वोट दो, वोट देने के बाद अपने मुद्दे के आधार पर वोट देगा, अपने उसमें दे देगा, जिसको जो मर्जी है उसमें दे सकता है। अब राकेश टिकैत जिस ठंडे ढंग से कह रहे हैं कि किसान जिसको मन उसको वोट दे दे, उसी से समझ जाइए माहौल क्या है।